जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरकार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड की सहायता से जगह बना ली है और साथ ही में टीम इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर सीरीज को भी अपने नाम पर कर लिया है। तो इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का अगला मुकाबला और अगला मिशन रहने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। लेकिन अगर नजरें डाली जाए इस चार मुकाबलों की बॉर्डर गवास्कर सीरीज से, इस बड़ी सीरीज के बाद वो कौन से पांच खिलाड़ी हैं जो रोहित शर्मा की सेना में शामिल हो सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शिरकत करने के लिए, किन पांच खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस के बदौलत उनकी टिकट कटेगी कन्फर्म इंग्लैंड जाने के लिए जो जून के महीने में खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, उसके बारे में करेंगे बात इस वीडियो में। जिस तरह से हम सब जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम ने इस टेस्ट सीरीज में शुरुआत से ही अपना दबदबा दिखाया, भला वो नागपुर और दिल्ली का टेस्ट मुकाबला क्यों ना हो। हालांकि इंदौर में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अहमदाबाद के मैदान पर टीम इंडिया ने बल्ले के साथ जबरदस्त वापसी करके दिखाई, जिसके चलते हमें ये टेस्ट मुकाबला ड्रॉ होते हुए नजर आया है। लेकिन अगर आप नजर डालें जरूर वहां पर न्यूजीलैंड की सहायता के चलते भारतीय टीम इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां पर जून 7 से लेकर जून 11 तक केनिंगटन ओवल लंदन में खेला जाने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। लेकिन अगर इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज से आप बताते हैं वो कौन से पांच खिलाड़ी हैं जिनकी शानदार परफॉर्मेंस के आधार पर ये बात कहनी शायद गलत नहीं होगी कि ये खिलाड़ी आपको भारत की प्लेइंग 11 या फिर स्क्वाड में तो कम से कम जगह बनाते हुए नजर आएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले और टॉप पर नाम आएगा उस खिलाड़ी का जिसको लेकर काफी आलोचना चल रही थी कि इस खिलाड़ी को आप प्लेइंग 11 से क्या भारत की स्क्वाड से बाहर कर दें, क्योंकि इस खिलाड़ी के टेस्ट क्रिकेट में बल्ले से उतने शानदार रन नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है विराट कोहली की। विराट कोहली ने अपने सभी आलोचकों के मुंह पर ताला लगाया, जहाँ उन्होंने अहमदाबाद के मैदान पर 186 रनों की यादगार और शानदार पारी खेली। इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि विराट कोहली की जगह को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे भारत की टेस्ट टीम में से, वो पूरी तरह से अब गलत है और विराट कोहली जरूर हमें फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आ जाता है विकेटकीपर केएस भरत का। हालांकि केएस भरत ने पिचेस के ऊपर बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाया है, लेकिन इसके अंदर बड़ी गौरतलब बात यह भी है कि पहले तीन टेस्ट मुकाबलों में जहां केएस भरत का बल्ला नहीं चला वहां पर तो विश्व के बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जबकि अहमदाबाद के मैदान पर केएस भरत के बल्ले से वो 44 रनों की पारी जो पहली पारी में आई वो इस बात का प्रमाण है कि अगर ऋषभ पंत की जगह किसी को लेनी है फिलहाल की सिचुएशन में, उसमें सबसे प्रबल तौर पर नाम आ जाता है केएस भरत का, जिसके चलते आसार ये ज्यादा बढ़ जाते हैं कि केएस भरत ही हमें भारत के लिए दस्ताने संभालते हुए नजर आएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। इसके बाद लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आ जाता है सभी का दिल जीतने वाले 23 वर्षीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल का। सबसे बड़ा सवाल था शुभमन गिल, केएल राहुल, इन दोनों में से आखिरकार कौन सा खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करेगा। लेकिन शुभमन गिल की तरफ से आया हुआ अहमदाबाद के मुकाबले में शतक भी इस बात का प्रमाण है कि भला वो जैसी मर्जी परिस्थिति हो, वो क्रिकेट का कोई भी प्ररूप हो, T20 हो, ODI हो या टेस्ट क्रिकेट हो, शुभमन गिल अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से शानदार ढाल लेते हैं और उस परिस्थिति में शुभमन गिल टीम के लिए जब चाहिए होता है तब रन भी करते हैं। और उनके सामने दूसरा ऑप्शन है आउट ऑफ फॉर्म KL राहुल, जिन्हें मौके तो मिले लेकिन अपने मौकों को वो नहीं बना पाए, जिसके चलते शायद अब आपको शुभमन गिल ही खेलते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा के साथ जो करेंगे आगाज WTC के फाइनल में भारतीय पारी का। इसके बाद लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आ जाता है रवि चंद्रन अश्विन का। रवि अश्विन जो कि इस समय ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 के गेंदबाज हैं, ICC और टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 2 के खिलाड़ी हैं। हालांकि इंग्लैंड के अंदर हमें ऐसी परिस्थिति जरूर देखने को मिलेगी जहां पिचेस जरूर तेज गेंदबाजों के हक में जाएगी, लेकिन आप किसी भी समय पर अश्विन और जाडेजा की जोड़ी को अपनी प्लेइंग 11 से बाहर रखेंगे तो वो शायद आप पर ही भारी पड़ सकता है, जिसके चलते रवि अश्विन भी हमें जरूर भारत की प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए जरूर नजर आएंगे। इसके बाद लिस्ट में पांचवें नंबर पर नाम आता है उस खिलाड़ी का जो भारत की प्लेइंग 11 में जरूर जगह लेगा एक खिलाड़ी की, उसमें नाम आ जाता है जरूर जसप्रीत बुमराह की जगह लेने का सवाल, जहां जसप्रीत बुमराह की जगह लेते हुए हमें जरूर नजर आ सकते हैं मोहम्मद सिराज। हालांकि मोहम्मद सिराज को श्रृंखला के चौथे टेस्ट मुकाबले से आराम दिया गया है, लेकिन जिस तरह की फॉर्म इस समय मोहम्मद सिराज के पास है, भला वो सफेद गेंद हो या फिर लाल गेंद हो, दोनों ही गेंदों के साथ मोहम्मद सिराज नई गेंद हो पुरानी गेंद हो, जब भी भारत को विकेट चाहिए हो
तो सिर्फ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जाते हैं मियां भाई के पास, जो विकेट लेने में पूरी तरह से सक्षम रहते हैं। हालांकि इसके अंदर एक और बड़ा अभिप्राय ये भी है कि गेंद के साथ उमेश यादव की फॉर्म कुछ उतनी ज्यादा शानदार नहीं नजर आई है पूरी बॉर्डर गवास्कर सीरीज में, जिसके चलते ये भी एक मौका बन सकता है मोहम्मद सिराज के लिए, जिसके चलते वो मोहम्मद शामी के साथ भारत की प्लेइंग 11 में इंग्लैंड में हमें नजर आ सकते हैं। हालांकि मोहम्मद सिराज की लंबाई और उनकी तेज गति भी एक कारण हो सकती है, जिसके चलते वो जरूर भारत की प्लेइंग 11 में होंगे शुमार। तो ये है वो 5 खिलाड़ी जो रोहित शर्मा की सेना में, यानी कि हमें रोहित शर्मा के WTC की फाइनल की प्लेइंग 11 में जरूर नजर आएंगे। तो इसमें नाम आ जाता है विराट कोहली, शुभमन गिल, KS भरत, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद सिराज का। अगर आपको लगता है इन पांचों के अलावा भी कोई और खिलाड़ी है जो जरूर भारत की प्लेइंग 11 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में होगा शुमार, दीजिए उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।